हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और क्लास को शुरू करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने हिस्ट्री की 6 क्लास कर ली थी, 7 क्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और हम अब लोग पहुंच चुके हैं भाई एमटीएस के टायर वन। कल से हम लोगों ने क्लास में एमटीएस के टायर वन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करना स्टार्ट कर दिया है। आप सबको पता भी होगा कि कंप्लीट पीडीएफ जो है वो एसएससी लॉयल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आप सबको सॉल्यूशन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से वीडियो सॉल्यूशन आपका पीडीएफ में सॉल्यूशन जो आप सबको यहां पे मिल जाए। एसएससी लॉयल क्लासेज पे जितने भी 2023 में जो एग्जाम हुए हैं, टीसीएस में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एसएससी के, वो सभी सब्जेक्ट वाइज आप सबको डिटेल सॉल्यूशन के साथ वहां पे मिलने वाले हैं। और हिस्ट्री की 6 क्लास हम लोग पहले कर चुके थे, आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा फटाफट से बताइएगा, किस मुगल साम्राज्य सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास करा था। एलोरा का कैलाश मंदिर है और किस मुगल सम्राट ने इसे तोड़ने का प्रयास करा था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया किस वंश के शासकों के द्वारा गया था, तो आपका आंसर हो इस मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। इसको तोड़ने का प्रयास किसने करा था, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं और बाबर, ये मुगल सम्राट हैं। और मुगल सम्राट में आप सबको याद भी रखना है कि इनका शासन कब से कब तक रहा और क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आप सबको पता हो। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं। बी से मतलब यहाँ पे आप सब इनके समझ गए हैं कि बाबर है, फर्स्ट अल्फाबेट हम सब ने यहाँ से लिया है। और बाबर का शासन कब से कब तक रहा, तो 1526 से 1530 तक बाबर शासन करता है। उसके बाद हुमायूं आया और हुमायूं का शासन जो है वो कब से कब तक रहा, हम लोग बीच में शेरशाह सूरी को एक बार यहाँ पे शामिल करके और लास्ट तक बताते हैं जब इसकी मृत्यु होती है, तो 1530 से लेके 1555-56 तक जो है इसका शासन रहता है। उसके बाद अकबर शासक बनता है। अकबर के समय में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, ये 1556 से लेके 1605 तक शासन करता है। 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासन रहा। जहांगीर जो है वो कब से तब तक शासन करता है, तो 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासन रहा। शाहजहां का शासन जो है वो 1627 से लेके 1657 तक रहा। और औरंगजेब का शासन जो है वो 1657 से लेके 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब का शासन रहता है। और बहादुर शाह जफर जो है वो 1857 की क्रांति में, यानी अगर आप सबसे कभी पेपर में पूछेगा कि लास्ट पावरफुल मुगल सम्राट कौन था, लास्ट पावरफुल रूलर, तो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट तो था औरंगजेब। और अंतिम मुगल शासक अगर पूछेगा तो बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर आप कह सकते हैं। लास्ट मुगल रूलर अगर आप सबसे पूछेगा तो कौन था, बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और किसने कर दिया था भाई, एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास करा था, तो ये औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास करा था। औरंगजेब जिसका शासन कब से कब तक रहा, तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासन रहता है। 1658 से लेकर 1707 तक एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया किसने था, वंश पूछेगा तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर शासक का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक, यानी ये क्वेश्चन पूछे सल्तनत काल से, क्या बताया आप सबको, जब आप सबको सल्तनत काल को पढ़ना है तो किसके पढ़ने हैं, जीके को। और कैसे पढ़ के आना है, बहुत तसल्ली से पढ़ के आना है। ये फर्स्ट जो अल्फाबेट है मैंने उनके वंश के नाम से वहां पे आप सबके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे जी से क्या बनाएंगे, जी से बनाएंगे गुलाम वंश। इसे कौन सा वंश बनाएंगे मेरे दोस्तों, तो आंसर होगा सर गुलाम वंश। के से कौन सा वंश बन जाएगा आप सबका यहाँ पे, तो आंसर होगा के से बनेगा खिलजी वंश। टी से अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा, ये तुगलक वंश आ गया। एस से क्या बनेगा, एस से बनेगा सर सैयद वंश, क्या मेरे दोस्तों सैयद वंश। और एल से क्या बना दीजिएगा, तो एल से बनेगा लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। इनका शासन कब से कब तक रहता है, इनका शासन शुरू होता है 1206 से और पानीपत के पहले युद्ध तक जो है वो सल्तनत काल का शासन रहा था दिल्ली पर। और उसके बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है पानीपत के पहले युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी की हार और मृत्यु के साथ। तो ये तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा है कि कौन सा वंश पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनका शासन कब से कब तक रहा था, गुलाम वंश जो है इसका शासन कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से लेके 1320 तक रहता है। तुगलक वंश का शासन जो है दोस्तों 1320 से लेके 1398 तक रहा था। सैयद वंश का शासन
1398 में तैमूर भारत पर हमला करता है। कौन? तैमूर। और पेपर में टीसीएस ने क्या पूछा आप सबसे कि तैमूर के हमले के समय लगभग इसका शासन समाप्त हो गया था। देन आंसर क्या करेंगे आप सब? तुगलक वंश का शासन जो है लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद तैमूर का सेनापति था खिजर खान, जो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जो सैयद वंश के नाम से जाना गया। इस वंश की स्थापना इसने 1451 में करी थी। और लोदी वंश की स्थापना जो है इसने कब से कब तक भैया? इसने शासन करा था 1451 से लेके 1526 तक जो है इसने शासन करा था। 1451 से लेके 1526 तक शासन करा था। अब हम सबसे क्वेश्चन पूछा है तुगलक वंश का, तो मेरे साथ एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। तीन शासक के नाम आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ जो तुगलक वंश से आप सबको याद करने हैं। तुगलक वंश से जो आप सबको याद करने, शासन का समय आप सबको पहले ही पता चल गया कि इन्होंने कब से कब तक शासन करा। तीन व्यक्ति कौन से भैया? एक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरे शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरे शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक, क्या ध्यान रखोगे? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश एक ऐसा वंश हुआ जिसने कृषि या खेतीबाड़ी या किसानों के लिए काम करा था। पेपर में क्या पूछेगा आप सबसे? ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है। गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का फाउंडर हुआ था 1320 से लेके 1325 तक शासन करता है। और जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। जूना खान के द्वारा बनाए गए, या तो कई बार तो टीसीएस ने तो लिखा है मंडप में दब कर मृत्यु हो जाती है किसकी, या जूना खान के षड्यंत्र के कारण मृत्यु हो जाती है किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। और फिर राजा कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं पूरी सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित अगर कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो शासन भी खूब चला, 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक शासन करता है। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहले शासक का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। कृषि का विभाग किसने स्थापित करवाया? तो कृषि को विभाग के रूप में अमीर को ही कृषि का विभाग बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी पांच बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है करवाया, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से, वो क्या है? वो पॉइंट ये है जो पेपर में आप सबसे पूछा भी गया है, आगे दिखाऊंगा आप सबको क्वेश्चन भी, कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो इसी ने कहा था ना कि हमारे ही पूर्वजों ने जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया है, तो सिंचाई कर को इंट्रोड्यूस करा था। नहरों का निर्माण इसने भी करवाया था, इसने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। कितना भाई? ये लगाया था सर उपज का 1/10, उपज का 1/10 लगाने वाला। एक बार फटाफट से बोर्ड पे नजर डालो, पढ़ लो सारा, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पीडीएफ सेम क्लास की पीडीएफ भी आप सबको एसएससी रॉयल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आप सबको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर तो आप सबको मिल ही गया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक कौन बना था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है। कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूरा सल्तनत काल का, इसके ठीक बाद जो है मुगल आते हैं, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था। मुगल आते हैं, मुगल में भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से कब किसका शासन रहा, कितने समय तक रहा, ये मैंने आप सबको यहाँ पे पूरा बता दिया। यानी अगर आप समझें तो 1206 से लेकर 1857 की क्रांति तक जो जो राजा बनते हैं, जिस जिस वंश का शासन आता है, वो सारा आप सबको यहाँ पे बताया है। आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बस क्लास के बाद। और ये अगर आप क्लास डेली देखेंगे तो मैं 2-3 बार आप सबको रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। मेगास्थनीस पे पूछा है। मेगास्थनीस देश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। कई बार तो ये पूछता है कि मेगास्थनीस क्या था भैया? ये एक यूनानी राजदूत था, एक यूनानी राजदूत था। वंश कौन सा? मौर्य। कौन से वंश की बात हो रही है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में कितने शासक पढ़ के आओगे? जैसे तुगलक में पढ़े थे तीन व्यक्तियों के नाम, क्या क्या भैया? एक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, एक शासक का नाम क्या हो गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड वन जो पढ़ के आओगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बना उसका नाम था बिंदुसार, क्या नाम था? बिंदुसार। और तीसरा अशोक। तीनों बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सेट हैं, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ये राजा बनता है 322 ईसा पूर्व में और 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार राजा बनता है 298 ईसा पूर्व में और 269 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अशोक राजा बनता है 269 ईसा पूर्व में और 232 ईसा पूर्व तक रहते इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो समय हो गया। तीनों के दरबार में एक विदेशी आता है,
तीनों के दरबार में। इसके दरबार में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आया था। इसके दरबार में कौन आता है? तो मेगस्थनीज जो है वो इसके दरबार में आया था, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में था? देन आंसर चंद्रगुप्त। और इसके दरबार में कौन था? डाइमेकस। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था, डाइमेकस। अशोक के दरबार में कौन आया था? तो डायोनीसियस, डायोनीसियस। यहां इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो डाइमेकस, मेक मीन बनाना, बनाना क्या बनाना भैया? बिंदु बनाना। जरा बस ऐसे एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तीनों की एक एक खास बात और है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेरे साथ याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म का भाई? ये जैन धर्म से था। और इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, का आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मौखालि पुत्र गोशाल ने इसकी स्थापना करी थी। अशोक पहले सेव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ली थी? देन आंसर उपगुप्त नामक भिक्षु से। किससे भैया? उपगुप्त से जो है इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों के बारे में हम लोग यहां से पढ़ लिए हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था, 322 ईसा पूर्व में राजा बनता है। उसके बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजा बनता है। उसके बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है, बीसी लिखा हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल क्रोनोलॉजी है, पहले कौन उसके बाद कौन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस और अशोक के दरबार में डायोनीसियस आया। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। भद्रबाहु से दीक्षा लेता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, गोशाल से, गोशाल जिसका संस्थापक था। अशोक सेव धर्म का था पहले, और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है, उपगुप्त नामक भिक्षु से इसकी दीक्षा लेता है। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में था? आप सबका आंसर हुआ ये अशोक के दरबार में था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर आएगा सर इंडिका। क्या नाम है भैया? इंडिका पुस्तक। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में कौन था? जिसका प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसने धनानंद को हराने में मदद करी थी। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जो एक राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये एक राजनीति की पुस्तक है, ठीक है भैया। यहां से क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप सबको? चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि आप सबको ये चीज का ध्यान रहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस का 7500 प्लस वैकेंसीज हैं, 7500 प्लस वैकेंसीज, और इसमें जीएस सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। और इस 50 का आप मानिएगा 50% जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही आने हैं, ये बात तय है, प्रीवियस क्वेश्चन आने हैं। 2023 के क्वेश्चन का पूरा बंडल आप सबके लिए। जो बच्चा क्लास देखना चाहे वो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्लास देख सकता है। कोशिश की जा रही है कि हर क्लास में उसको समय पर वही चीजों को याद करवा दिया जाए। और दूसरा, जो पीडीएफ से पढ़ना चाहता है, टेलीग्राम चैनल पर पहले ही पॉलिटी की, हिस्ट्री की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, और एक दो दिन में ज्योग्राफी की भी अपलोड हो जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ, जितने भी 2023 के क्वेश्चन सब वहां पे, उसको वहां से भी पढ़ सकता है, पढ़ना है बस आप सबको। चलो क्वेश्चन बताओ जरा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो एमटीएस में पूछा गया था इस साल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच में हुआ था? पहला है संथाल, कोल, रामोसी और पाइका। चलो इस क्वेश्चन को आसान बना देते हैं, मेरे साथ आप सबको याद करना है। पहला तो क्वेश्चन है कि ये विद्रोह कहाँ पे हुए थे, फिर आता है कि ये विद्रोह कब हुए थे, और उसके बाद है कि इन विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने करा था। देखो चलो, संथाल तो इसमें पूछा हुआ है, कौन सा विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिद्धू और कान्हू ने जो है इसका नेतृत्व करा था, ये बहुत बार पूछा है। कहाँ पे हुआ था ये? ये झारखंड में हुआ था, झारखंड बिहार। और किसने इसका नेतृत्व करा था? तो सिद्धू और कान्हू। वैसे तो चार भाई थे लेकिन पेपर में दो ही आएंगे, कान्हू ने जो है इसका नेतृत्व करा था। अब देखिएगा, सबसे पहले रामोसी, राम कहां पर मिलते हैं भैया? राम मिलते हैं घाट पर। कहां पे मिलते हैं? घाट पर, पहला पॉइंट। दूसरा, चित्रकूट की घाट, घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे कब आओगे। तो रामोसी हुआ था पश्चिमी घाट पर, और चित्र जो मैंने नाम बोला इसका नेतृत्व करा था चित्र सिंह ने। किसने इसका नेतृत्व करा था मेरे दोस्तों? तो चित्र सिंह ने जो है इसका
नेतृत्व करा था। बताओ यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा लिखा है कोल, कोल को बोलो कोयला। जो कोयला है वो कहां पर मिलता है, तो कोयला एक खनिज है और भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम बताया? झारखंड। और झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है। क्या नाम बताया? छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, ध्यान रखोगे। और इसका नेतृत्व किसने करा था? गोमधर कुंवर। क्या नाम है? गोमधर कुंवर ने जो है इसका नेतृत्व करा था, गोमधर कुंवर। पाइका जो विद्रोह है ये कहां पे हुआ था भैया? पाइका विद्रोह हुआ था, ये तो जगह ही है, तो ये उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो बख्शी जगबंधु ने। किसने करा था? तो बख्शी जगबंधु ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करा था, बख्शी जगबंधु। और ये विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ये विद्रोह 1817 से लेकर 1825 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, 1817 से 25 के बीच में। छोटा नागपुर का कोल विद्रोह जो है ये 1831 से 32, ध्यान रखिएगा 1831 से लेके 32 तक। और पश्चिमी घाट पर रामोसी विद्रोह जो है ये आप कह सकते हैं सबसे लंबे समय तक चला था यहाँ पे इन चारों में से, ये 1822 से लेके 1829 तक चला था, 1822 और 29 के बीच का। अब मुझे बताओ यहां से चीजें क्लियर हो गई आप सबको? क्या बताया? पहला तो क्वेश्चन में पूछा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में हुआ। संथाल कहां पे हुआ? झारखंड में ये विद्रोह होता है, झारखंड बिहार में। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? सिद्धू और कान्हू भाइयों ने इसका नेतृत्व करा था। दूसरा लिखा है कोल विद्रोह, कोल से कोयला, कोयला एक खनिज और खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य का नाम झारखंड। और झारखंड में जगह है छोटा नागपुर का पठार, जो भारत का रूर कहलाता है खनिजों की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण। और यहीं पर तो एक तो याद हो गया कोल विद्रोह छोटा नागपुर का हो गया है, और गोमधर कुंवर ने इस विद्रोह का नेतृत्व करा था, ये 1831-32 में होता है। रामोसी, राम कहां मिलेंगे? हर घाट पर राम है, तो रामोसी पश्चिमी घाट का विद्रोह है, रामोसी पश्चिमी घाट का विद्रोह है, 1822 से 29 तक चलता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जाता है? चित्रकूट के घाट, तो चित्र सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। समय क्या रहा? 1827 से 25 तक। और बख्शी जगबंधु के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, ध्यान रखेंगे चारों के चारों। तो ऐसे ही करके हम लोग जो है एक बार फिर से इनको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास देखिए तो दो मैंने लास्ट क्लास में भी आप सबको बताए थे, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया मुंडा, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट लिखता है, सिख सुधारकों के द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी। सिख सुधारकों के द्वारा अकाली आंदोलन, नामधारी, निरंकारी और गदर आंदोलन, तो इसमें पंजाब से जुड़ा हुआ है, तो अकाली आंदोलन है। और कब के समय की बात है? 1920 के दशक के आसपास जो है इसकी शुरुआत की गई थी, 1920 अकाली आंदोलन की। गदर आंदोलन या गदर पार्टी पढ़ के आते हैं, 1913 में अगर पूछे आप सबसे गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1930 में। कहां पे हुई है? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना। किसके नेतृत्व में होती है भैया? तो आंसर होगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में होती है, कि लाला हरदयाल जो है पहले मंत्री बनाए गए थे। गदर पार्टी के पहले मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। और अगर पूछे कि पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? तो कांशीराम। कोषाध्यक्ष का नाम कैसे कोषाध्यक्ष और कैसे ही, ध्यान रख लीजिएगा, अंबाड़ा के कांशीराम थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा। पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सोहन सिंह भाखड़ा जो है पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बहुत खास है, इसलिए मैंने आप सबको गदर नाम लिखा, तो मैंने आप सबको यहां से बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। भारत में पहला उच्च न्यायालय सन 10 में स्थापित किया गया था। भारत में पहला उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं पूछा है, सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा आप सबको बता भी दूं कि भारत में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। समय क्या रहा? रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं 1773 का, इसी एक्ट के तहत। समय क्या रहा? 1774। जगह कौन सी थी? कलकत्ता। और किसकी स्थापना की गई? पहला उच्चतम न्यायालय, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, पहला उच्चतम न्यायालय जो है वो स्थापित किया गया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था?
तो एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद समय बदला और समय आया 1861 का। क्या आया भैया? 1861 का। 1861 में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम आया, हाई कोर्ट एक्ट कह सकते हैं, या हिंदी में लिखेंगे तो उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। और इस अधिनियम के तहत पुराने वाले सभी न्यायालयों को खत्म करके तीनों प्रेसिडेंसी में, कौन सी बंगाल, मद्रास और कलकत्ता में, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सी में भैया? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। समय क्या रहा? 62 का। 1 जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम में जो है पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां पे? कलकत्ता में। और बाकी दो कहां पे स्थापित किए गए थे? तो मद्रास में और बॉम्बे। ये तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसी में 1862 में जो है एक एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय नॉट उच्चतम, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद जो है 1835 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आता है और इसके तहत अक्टूबर 1937 में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब होती है? जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद भारत का संविधान बनता है और भारत गणतंत्र होता है, रिपब्लिक हुआ, और ठीक दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे। तो ये भी पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है, एमटीएस टायर 1 2022 का जो पेपर 2023 में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। दिल्ली सल्तनत के दौरान एक शब्द है जिसका नाम है उलेमा, का संबंध जो है वो किससे था? उलेमा शब्द का संबंध किससे था? ग्राम राजस्व अधिकारी, प्रमुख कमांडर, डाक अधिकारी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। तो सल्तनत काल में जिन जिन वंश के बारे में हम लोग पढ़ के हैं वो आप सबको पहले बता दिए गए हैं। हर वंश में 3-4 तो ऐसे इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनके बारे में आप सबको जान लेना चाहिए। और सल्तनत काल में हम लोग कब से कब तक पढ़ते हैं? तो 1206 से लेके पानीपत के पहले युद्ध तक पढ़ते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री जो होते थे इन्हें उलेमा कहा जाता था दिल्ली सल्तनत काल में। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री क्या कहलाते थे? उलेमा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है बहमनी स्मारक, बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली से निर्मित है। जितने भी स्मारक हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर आपने देखा नाम नागर, नागर तो टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल है। नागर क्या है भैया? ये तो टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल है, टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल, मंदिर निर्माण की शैली। कहां की है? उत्तर भारत की। तो ये तो एक स्मारक है कि नहीं? तो आप नागर पे तो नहीं जाओगे। अब द्राविड विश्व में ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो आप कहोगे कि द्राविड तो वैसे भी हमें पता है कि ये भी मंदिर निर्माण की शैली है। मामलूक, गुलाम और इलवारी, ये वंश हम लोग पढ़ के आते हैं कि मामलूक वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब हम लोग सल्तनत काल को पढ़ के आते हैं तो एक समय आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। ये राजा कब बना था? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 तक राजा रहता है। इस दौरान महाराष्ट्र में या पश्चिम भारत में, पश्चिमी भारत में जो है, या मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र में, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार टीसीएस ने जो इसको आंसर दिया है ना, टीसीएस ने जो आंसर दिया वो दक्षिण में, बहमनी साम्राज्य दक्षिण में, ठीक है। महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य, मैंने हमेशा ऐसा ही कहा कि आप महाराष्ट्र जरूर ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। समय क्या रहा? 1347 का समय रहा। किसने करी थी साम्राज्य की स्थापना? तो आप सबका आंसर होगा हसन गंगू ने जो है इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? हसन गंगू ने 1347 में। किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। महाराष्ट्र कर्नाटक में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। महाराष्ट्र में पढ़ के आते हैं हम लोग एक पॉइंट, अगर आप सबको याद है तो जरा बताओ मुझे, दक्कन का पठार, क्या पढ़ के आते हैं? प्लेटियो ऑफ दक्कन, दक्कन पढ़ के आते हैं। विदर्भ जिसको कहा जाता है, दक्कन के पूर्वी भाग में विदर्भ, महाराष्ट्र में
तो बस इसी से आप सब इस पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि बहमनी पूछा हुआ है, बहमनी कहां पे था, तो महाराष्ट्र आप सबके माइंड में आना चाहिए, और वहां से आप दक्कन को याद कर लीजिएगा और दक्कन शैली में निर्मित था। फिर इनके जो स्मारक हैं, बहमनी साम्राज्य के स्मारक जो है वो किस में निर्मित थे, किस वास्तुकला में निर्मित थे, तो दक्कन शैली में निर्मित थे। ध्यान रखोगे दक्कन शैली में निर्मित थे। दूसरी जो मैं घटना इसके समय की बता रहा था, 1336 में दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर की स्थापना करते हैं, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। इसी के समय की एक और घटना है जो आप 1333 के साथ याद रख सकते हो, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आता है, इब्न बतूता, और एक पुस्तक लिखता है रेहला, और ये काजी था, सुल्तान ने इसे दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया था, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, जो सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के तीन टाइम पीरियड के हिसाब से आप इन घटनाओं को याद रखिएगा। पहला क्या बताया मैंने, 1333 कौन आता है, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आता है, पुस्तक कौन सी लिखता है, रेहला पुस्तक की रचना करता है, इसके समय की जानकारी मिलती है तो तुगलक वंश की जानकारी। दूसरा 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की जाती है। और तीसरा समय क्या बताया, 1347 का महाराष्ट्र में यानी पश्चिम में, महाराष्ट्र में कौन, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। तो बस वहीं से महाराष्ट्र दक्कन याद करके, तो बहमनी साम्राज्य के जो भी स्मारक थे वो किस शैली में निर्मित थे, तो आप सबका आंसर क्या होगा, वो दक्कन शैली में निर्मित थे, दक्कन शैली, वहां से आप सब इसको याद रखिएगा, ठीक है ना साथियों। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, आप भी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, हिम, सरस्वती, श्री पोना, बाणभट्ट और परमानंद, पंप, पौन और रंग, ये तीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पोना लिखा हुआ है, मैं पंपा भी लिख देता हूं, और रन, ये किस साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये पेपर वाला क्वेश्चन, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है इन्हें, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो है ये कहलाते हैं। और आप ये बहुत आसान था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, बाणभट्ट, इसकी सबसे फेमस रचना आती है, इसने हर्ष का जीवन चरित्र लिखा था, इसको हर्ष चरित्र बोलते हैं, इसने कादंबरी की भी रचना करी थी। अगर आप सबसे पूछे कि कादंबरी की रचना किसने करी थी, तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कहां का शासक था, तो आप सबका आंसर होगा कि सर ये थानेश्वर का शासक था। कब जन्म होता है भैया इसका, तो 590 में इसका जन्म होता है। ये कब थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, तो ये 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ये पुलकेश्वर द्वितीय के साथ युद्ध कब लड़ता है, तो 618 में नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ता है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 647 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। नाम हर्षवर्धन, उत्तर भारत का हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, ध्यान रखेंगे आप सब इसका। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के भी तीन रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम बताया, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। अपनी क्लास अगर आप सबने एक बार देख ली और पूरा हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसके बाद आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक पॉइंट एक एक चीज जो बता रहा हूं वो सभी पेपर वाली है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनकी रचना जो है किसने करी थी, तो आंसर होगा हर्षवर्धन के द्वारा जो है इनकी रचना की गई, हर्षवर्धन। संस्कृत के तीन नाटक इन्हें कहा गया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। नेक्स्ट है, डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करी थी। सर्वदलीय यानी कई दल इसमें शामिल थे, कितने दल शामिल थे इसमें, 29 अलग अलग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इस तरीके से 29 दल जो है इसमें शामिल थे। ये अधिवेशन कहां पे होता है, ये अधिवेशन महाराष्ट्र में, मद्रास में हुआ। ये अधिवेशन कहां का था, ये अधिवेशन जो है मद्रास में इस अधिवेशन होता है, ये ध्यान रखना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये भी पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एम वी अंसारी ने जो है इसकी अध्यक्षता, क्या नाम ध्यान रखेंगे आप, सॉरी, एम वी एम ए अंसारी ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। इसमें एक और पॉइंट हुआ था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता का मसौदा भी, ये भी एक लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था ये भी इसमें। इसके साथ साथ ये भी लिख दिया है कि संविधान का मसौदा,
ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 29 दलों की जो है बैठक होती है। समय याद रखना है 1927 कब की बात है, 1927। इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, एक आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने अपने 1929 अधिवेशन कहां का, लाहौर का अधिवेशन, कौन अध्यक्षता करते हैं भैया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ पाए हैं बात को, कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को एओएम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। चलिए आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा 1895 में जो है अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन करा था। महात्मा गांधी पे क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म होता है। उसके बाद महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका कब गए थे तो 1893 में तो ये गए थे, और 9 जनवरी 1915 को ये वापस आते हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका में इसी के बीच का समय है जब इन्होंने 1895 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी, साउथ अफ्रीका में ही नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस में भाग कब लेते हैं, कांग्रेस के अन्य नेताओं से कब मुलाकात करते हैं, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जो है कांग्रेस के अन्य नेताओं से मुलाकात करते हैं। 1915 में भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहले 1916 में किस आश्रम की स्थापना करी थी, तो कोचरब आश्रम की स्थापना इन्होंने करी थी। क्या ध्यान रखोगे भैया, कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी, साबरमती 1916 में, वो भी है ध्यान रखिएगा, कोचरब आश्रम पहला ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 1915 में इनको जो है केसरी हिंद की उपाधि से भी अंग्रेजों ने सम्मानित करा, केसरी हिंद की उपाधि से, जो दो, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनसे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट डेज हैं जो मनाए जाते हैं, 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे के रूप में। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को ये वापस आते हैं, एक एनआरआई डे भी ध्यान रखेंगे। हालांकि एनआरआई डे जो है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई जो लोग हैं, इनका भारत के विकास में दिए गए इनके योगदान के लिए भी एनआरआई डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है इनकी हत्या होती है, तो मार्टियर्स डे या शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तो इनसे जुड़ा हुआ है। और 1895 में साउथ अफ्रीका में ही नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है इनके द्वारा की जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बाकी आप सबको पता ही है साबरमती आश्रम गुजरात में है, अहमदाबाद में 1916 में स्थापना होती है साबरमती आश्रम की गुजरात। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो राजा की तो एक उपाधि थी जो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, आरकोट, हल्दीघाटी, तालीकोटा, रायचूर। तो तालीकोटा का युद्ध है, इसको बनीहट्टी का युद्ध भी बोल देते हैं, इस नाम से इसको बनीहट्टी के नाम से भी, या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोल देते हैं। इस युद्ध में, ये युद्ध कब होता है, तो 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध होता है, 23 जनवरी 1565 विजयनगर साम्राज्य और दक्कन साम्राज्य के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, दक्कन साम्राज्य, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है 1565 के तालीकोटा के युद्ध में। यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध लिखा गया है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में, आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलेकस निकेटर का राजदूत जिसका नाम पढ़ के आ चुके हैं, क्या नाम था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। सेलेकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। युद्ध की कुछ संधि शर्तें भी होती हैं, और मैंने पहले बताया सेलेकस निकेटर की बेटी नाम कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी जाती है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान भी संधि शर्तों के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए जाते हैं और अखंड भारत बनता है। उसी का राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर महाबलीपुरम स्मारक डैस वंश स्थापत्य शैली में बनाए गए थे। महाबलीपुरम के स्मारक जो है वो किस वंश के समय की बात है,
चंदेल, पाली या पल्लव और गुप्त वंश के समय। तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है ये पल्लव वंश के समय में बनाए गए थे। पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो अपराजित वर्मन जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ था, अपराजित वर्मन। और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। महाबलीपुरम एकाशम मंदिर भी, एकाशम भी कहा जाता है या रथ मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से भी? एकाशम रथ मंदिर भी। और कितने हैं भैया टोटल? तो आंसर होगा 5 है। 5 किसके हैं? 5 पांडव और द्रौपदी। सबसे छोटा अगर पूछे तो द्रौपदी का है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नकुल और सहदेव का एक ही रथ है, नकुल सहदेव का एक ही है, तो सबसे कम अलंकरण मिलता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। और किस शैली में निर्मित है? तो ये आप सबको पता भी होगा, द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा करा था। तो संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, या उस समय भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था भैया? एटली जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। दो पॉइंट होता है कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा होती है या उसका गठन होता है। दूसरा, ये दिल्ली आया था, तो दोनों ही पॉइंट है कि दिल्ली कब पहुंचता है और इसकी घोषणा जो है वो कब होती है। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा होती है, और ये दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को पहुंचता है। किस लिए आता है भैया? एक तो संविधान सभा के गठन के लिए, और दूसरा या भारत के संविधान तैयार करने के लिए, और जो भी भारत में उसमें ज्वलंत मुद्दे थे उन सब पर विचार करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे ये भी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये तीन लोग जो है इसमें शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर। अब पैथिक लॉरेंस जो है इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस कौन था? इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। तो क्या क्या याद रखोगे? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब होती है एटली के द्वारा? तो 15 फरवरी 1946 को। ये दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। कितने लोग इसमें शामिल थे? तीन। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण, यानी जो फिजिकल ऑक्यूपेशन था, जो विजय अभियान अपना चला रखा था, उसको त्याग दिया था। किससे पूछा है? अशोक से पूछा है। अशोक मौर्य वंश का एक शासक हुआ था अशोक, और अशोक के जीवन की दो तीन घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, अशोक जो है राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 बीसी में यह राजा बनता है। अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद इसने कलिंग पर हमला करा था? तो 8 साल बाद 261 बीसी में इसने कलिंग पर हमला करा और भयंकर जनसंहार हुआ। कलिंग कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है। कलिंग की राजधानी तोशली पर इसने अधिकार कर लिया था, और इसी से ये पूरा मतलब हिल गया था, और इसने फिजिकल ऑक्यूपेशन को त्याग दिया था और धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म की नीति अपनाता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। अशोक का राज्याभिषेक राजा बना था 269 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग पर हमला करता है, तोशली पर अधिकार कर लेता है। तो कलिंग वॉर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, जिसको हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पंजाब के स्याही वंश के शासक पोरस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का युद्ध जो हम लोग पढ़ के आते हैं, तराइन का युद्ध दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 के, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। पृथ्वीराज और तृतीय भी बोल देते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी ध्यान रखेंगे।
इनके बीच युद्ध लड़े गए थे। तो क्लिंग वॉर बहुत आसान सा था आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1539 में डैश के युद्ध में हराकर मुगल शासन की स्थापना करी थी। जिन बच्चों ने थोड़ा और अधूरा पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में चलेगा कि मुगल शासन की स्थापना तो इब्राहिम लोदी को हरा के की गई थी, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध में है कि नहीं। बाबर ने हर साल एक युद्ध लड़ा भाई, ये 1526 में है, इसको बोलते हैं पानीपत का युद्ध। 1527 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। 1527 में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, घाघरा का युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध होता है, राणा सांगा के बीच में घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, जिहाद का नारा भी दिया था। उसके बाद है 1527 हुआ, 1528 में जो है, 1526 में पानीपत, 1527 में घाघरा, और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, और इसमें किसे हराया था, इसमें मेदनी राय को हराया था, मेदनी राय को। और 1529 में खानवा का युद्ध होता है, या तो कई बार ये लिखा मिलता है कि अफगानों को हराया था, अफगानों को हराया, और अफगानों को हराया तो आजकल तो टीसीएस नाम दे रहा है, इसमें एक नाम जो है वो है नुसरत शाह, सुल्तान नुसरत शाह को किस युद्ध में बाबर ने हराया था, तो 1529 के खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने हराया था। 26 में पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी की हार होती है। 27 में घाघरा का युद्ध, राणा सांगा। 28 में चंदेरी का युद्ध, मेदनी राय की हार होती है। और 1529 में जो है महमूद, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था, और मुगल शासन की स्थापना होती है और बाबर की मृत्यु हो जाती है फिर 1530 में, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अब ये आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में से, किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन रहेगा। ये सारे अधिनियम है, और इन अधिनियम में से किस अधिनियम से जिसमें द्वैध शासन था, चार्टर अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत सरकार अधिनियम 1858 है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बिल्कुल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, समय क्या रहा 1919 का। एक आता है मार्ले मिंटो, मार्ले भारत का सचिव और मिंटो उस समय भारत का वायसराय, ये 1909 का था, मार्ले मिंटो सुधार। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, तो द्वैध शासन प्रणाली और पार्ष कार्यकारी परिषद आगे बढ़ती है 1919 के इस अधिनियम के तहत। इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, समय ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला देखो अकबर का आता है भैया, आगरा का किला सबसे पहले अगर हम लोग अकबर की राजधानी का पढ़ के आते हैं, राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले अगर आप सबसे पूछेगा कि भैया अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था, दूसरा अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी कब बनाया था, फतेहपुर सिकरी को राजधानी कब बनाया था, तीसरा वापस से राजधानी लाहौर कब लेके चला गया, वापस से राजधानी को लाहौर कब लेके गया, बताओ जरा तीनों पॉइंट। पहला तो ध्यान रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना से अगर पेपर में आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आना चाहिए 1504 में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। कई बार सिकंदर लोधी खान भी लिख देता है या सिकंदर खान, तो आगरा को राजधानी ये बनाता है 1558 में, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था 1571 में, और वापस से राजधानी को लाहौर लेके चला गया था 1585 में। कहाँ पे, लाहौर लेके चला गया था राजधानी को 1585 में, फतेहपुर सिकरी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह रहा, तो सपनों का शहर कह लीजिएगा। अकबर, खुद अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो आप सबको पता हो 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासन रहा, 1556 से लेके 1605 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी बनाया था। देखो मेरे दोस्तों, सती प्रथा पर तीन बातें आप सबको याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है, पहला सती प्रथा के क्या चाहिए भैया, सर सती प्रथा के चाहिए सबूत, साक्ष्य। अब जब सबूत मिल गए हैं तो कानून अपना काम करेगा और उसको क्या कर देगा, बैन कर देगा। और तीसरा, अब जो विधवा महिलाएं हैं उनका उद्धार होगा, यानी विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह इसके लिए अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
ये तीन बातें आप सबको याद रखनी है, तीनों बातें पेपर में पूछी गई हैं। पहला क्या है, साक्ष्य कहां से मिले थे और कब मिले थे, तो 510 का भानुगुप्त का हेरण अभिलेख, कौन सा भैया, हेरण अभिलेख भानुगुप्त का। सबसे पहले किसी के सती होने का प्रण जो साक्ष्य है वो प्रमाण है वो कहां पे मिलते हैं, तो भानुगुप्त के हेरण अभिलेख से मिलते हैं। बैन कब कर दिया गया था, तो 1829 में पेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे बैन कर दिया था 1829 में। विधवा पुनर्विवाह आता है 1856 में अधिनियम, ये कौन लेके आया था भाई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल बाद में वायसराय कैनिंग था, और किसकी उपस्थिति में पहला होता है भैया ये फर्स्ट विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत बड़ा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां से पेपर में आता ही है कि पहला विधवा पुनर्विवाह इनकी देखरेख में कंप्लीट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप सबको। तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था, तो ये तो एक क्रम है, टर्मिनोलॉजी है, और इसको आप सबको याद रखना, ये बताया भी है। सबसे पहले कौन राजा बनता है, बाबर, 1526 से लेके 1530 तक राजा रहा। उसके बाद कौन राजा बना, हुमायूं, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है, 1539 में शेरशाह सूरी से बैटल ऑफ चौसा हार जाता है। उसके बाद 1540 का कन्नौज का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध में जो है हुमायूं के हाथ से सत्ता निकल जाती है। उसके बाद 1555 में जो है बैटल ऑफ सरहिंद होता है, तो सरहिंद के युद्ध में जो है बैटल ऑफ सरहिंद में सत्ता वापस पा लेता है ये, और किसे हरा के, सिकंदर शाह सूरी को हराकर, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कंप्लीट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर का शासन कब से कब तक रहा, तो 1556 से लेकर 1605 तक जो है अकबर का शासन रहता है। उसके बाद जहांगीर आया, 1605 से लेके 1627 तक शासन करता है। उसके बाद शाहजहां आया, तो ये 1627 से लेके 1657 तक शासन रहता है इसका। फिर औरंगजेब आया, ये 1658 से लेके 1707 तक शासन करता है। ये बिल्कुल क्रम के हिसाब से है भाई, पहले कौन बाद में कौन, और अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर, और ये 1857 की क्रांति में जो है उस समय भारत का राजा होता है, नेतृत्व करता है, और इसे निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसे भेज दिया जाता है जहाँ पे 1861-62 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़े फिर इसके बाद, और मुगल वंश का अकबर के बाद फिर कौन बना था, जहांगीर। शेरशाह सूरी का मैंने आप सबसे कहा, शेरशाह सूरी जो है सत्ता पा लेता है कब, 1540 में, कलिंजर के किले को जीतने के प्रयास में 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय तक शेरशाह सूरी का शासन रहता है, बाकी सूरवंश का शासन रहता है 55 तक, वापस से सत्ता पा लेता है हुमायूं बैटल ऑफ सरहिंद जीतकर। 40 में कन्नौज का युद्ध जीता था, जिससे सत्ता मुगलों के हाथों से निकल गई थी, कन्नौज, या इसको बोल देते हैं बिलग्राम, ये ध्यान रखिएगा। पेपर वाला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जो है मुगलों के हाथ से सत्ता निकल गई थी, तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है मुगलों के हाथों से सत्ता निकल गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान ने डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, ये 1191 का बैटल ऑफ तर्राइन था, या इसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तर्राइन, तर्राइन का पहला युद्ध। सेकंड बैटल थी 1192 में, ये तर्राइन का सेकंड युद्ध था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है सेकंड में, और फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही ऑप्शन में दिए मिलते हैं आप सबको कि कौन से में हार होती है कौन से में जीत होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद करजन जो है बंगाल का विभाजन कब करता है, बंगाल के विभाजन को लेकर तीन बातें आप सबको याद रखनी है, छोटा छोटा पार्ट में चीजों को बांट के याद करो। क्या क्या बातें याद रखनी है, पहले बंगाल विभाजन की घोषणा करता है करजन, उसके बाद जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है यानी लागू होता है, सॉरी इससे पहले जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है, स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है। थर्ड वन जो है फिर इसके बाद घोषणा, स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद प्रभावी हुआ,
और लास्ट में जो है इसको खत्म कर दिया गया, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये बातें ध्यान रखनी है। घोषणा कब करता है करजन इसकी, तो आंसर करिएगा 20 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पे, कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है, स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल का विभाजन प्रभावी कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ और पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में बनाया गया। और इसको अंत कब कर दिया गया था भाई, जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता 1911 में। बस फिर 1905 आप सबको यहां से आंसर, यह आसान सा था, करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था बस 1905 में। मैंने यहां पे आप सबको डेट भी बता दी, वो भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, अधिनियम वाला था। हाँ, तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर, देखिए तंजोर में है बृहदेश्वर मंदिर, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और किसने बनवाया था, राजराजा प्रथम के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और वो किस वंश से था, ये चोल वंश से था। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजयालय के द्वारा जो है चोल वंश की स्थापना की गई थी। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विजयालय के द्वारा की गई थी। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, और हर एक का इतना डिटेल सॉल्यूशन कराया कि आप सबके 100 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अब आप सबको यहाँ से रिवीजन करनी है, रिवीजन के लिए पीडीएफ आप सबको एसएससी लेवल क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल कौन सा बताया, एसएससी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप सबको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ चाहते हैं शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।